बात करिए दिन विशेष उपायनी, सो आपना जीवन नी अंदर लग्नना केटलाक वर्षों वीत्या पछी पण आपने त्यां संतान सुख नथी, सो आपने त्यां पण हजी पारणू नथी बंधाणू, डॉक्टरी अनेक सलाहो अनेक उपायो कर्या पछी पण आपने त्यां संतानी प्राप्ति नथी थई रही, तो शुं आप एवो कयो उपाय करशो के जेनाथी आपना जीवननी अंदर भगवान ठाकुरजीनी विशेष कृपा थशे, आपने त्यां संतान सुखनी प्राप्ति थशे। तो सविशेष देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गत, आ मंत्रनो थई शके एटलो दंपतीए प्रति दिवस प्रभात काले अने सायं काले जप करवो जोईए। सविशेष संतान गोपाल स्तोत्रना 1,25,000 जपनो अनुष्ठान करावू जोईए के जेनाथी आपना घरे पारणू बंधाई शके। आ अनुष्ठान करती वक्ते आपे अनुष्ठानना विधिवत नियमो छे, ए विधिवत नियमो सुग्न ब्राह्मण द्वारा जाणी अने अनुष्ठान करवाथी आपना जीवनमां पारणू बंधाशे। एनाथी सविशेष जे स्त्रीओ जे दंपतीने पुत्रनी अथवा तो पुत्रीनी संतानी प्राप्तिनी अपेक्षा छे, एवा संतान एवा दंपतीए सविशेष आपणे त्यां पयोव्रत बताव्यू छे, श्रीमद भागवतनी अंदर पयोव्रत बताव्यू छे। ए पयोव्रत करवाथी 15 दिवस सुधी दूध ऊपर आ उपवास करवाना होय छे। आ पयोव्रत करवाथी भगवान वामनजीनी विशेष कृपाथी आपने त्यां पुत्र अथवा तो पुत्री कहता संतानी प्राप्ति थशे। सविशेष जे स्त्रीओने हजी संतान सुख नथी मळ्युं एमना माटे ત્રીજો ઉપાય છે કે એમણે પોતાના કટિતના ભાગ ઉપર કાળા દોરાની અંદર અપામાર્ગનું મૂળ ધારણ કરવું જોઈએ અને ભગવાન નારાયણનો પ્રતિ દિવસ 12 આહુતિ ક્રમથી યજ્ઞ યાગાદિ કરાવવો જોઈએ, જેનાથી આપને ત્યાં સંતાન સુખની પ્રાપ્તિ થશે। આ સવિશેષ અમને આશા છે કે આ ઉપાયો દ્વારા આપના ઘરે પણ ઠાકોરજી પારણું બંધાવશે।